हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं हम टॉपर्स नोट्स के थ्रू पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कवर कर रहे थे ये एक तरह का क्रैश कोर्स है जो कि टॉपर्स के नोट्स भी आप पढ़ लोगे और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा तो हम आ, जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एलेटेस्ट थ्योरी ऑफ पावर आपको पता है पावर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में कितना इम्पॉर्टेंट है अगर एलेटेस्ट थ्योरी ऑफ पावर के बारे में देखें तो पहले इसके एक्सपोनेंट हैं रॉबर्ट माइच मिकल जो कि आपका उन्होंने दिया था ओलीगार्की इज़ आयरन लॉ यानी कि इनके अनुसार जो ओलिगार्की का जो पूरा प्रोसेस है ठीक है ओलीगार्की का जो फॉर्म है वो एक आयरन लॉ की तरह है जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे वो लिबरल हो या सोशलिस्ट हो पावर जो है वो हमेशा एलिट्स के पास होती है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लिबरल कंट्रीज में मैनी एलिट्स बट सोशलिस्ट कंट्री ओनली मॉडोलिथिक एलिट मतलब कि लिबरल कंट्री में बहुत सारे एलिट्स होते हैं लेकिन सोशलिस्ट में एक सिंगल आपका हेजमॉनिक पार्टी जैसा कि हम चाइना में देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी या यूएसएसआर में हमने देखा था उनकी जो किताब है ठीक है रॉबर्ट की जो किताब है पोलिक पार्टीज उसमें तो उन्होंने कहा है कि पावर जी विद द लीडरशिप ऑफ पार्टी विदर इट बी सोशलिस्ट और लिबरल स्टेट तो हम देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो पावर है वो अल्टीमेटली आपके पार्टी के पास रहती है ठीक है उसका जो सेकेंड एक्सपोनेंट है इस थ्योरी के वो है पैरेटो पैरेटो ने कॉन्सेप्ट दिया elites, है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स इनकी किताब है माइंड एंड सोसाइटी इसमें इन्होंने कहा है कि जो एलिट के बीच में ही पावर मूव करती रहती है ऐसा नहीं है कि आ, किसी थर्ड पार्टी के पास जाती है समझ लीजिए दो एलिट है एक है लायन और दूसरा फॉक्स और पावर जो है दोनों के बीच में मूव करते रहती है तो आ, इनके अनुसार जो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है वो है ग्रेवयार्ड ऑफ एलिट्स मतलब कि एक एलिट सेक्शन जाता है तो उसका उसको रिप्लेस करती है दूसरी सेक्शन एलीट की लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नन एलीट के पास पावर जाती हो ठीक है अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो आप कह सकते हो कि जो आ, पहले टाइम में ठीक है अर्लियर टाइम में जिस तरह से ब्राह्मण का हेजमोनी था पूरे कास्ट सिस्टम अगर आप देखो तो आपका पूरा जो हेजमोनी था वो ब्राह्मण्स के पास था जो डोमिनेट कास्ट था उसके बाद हालांकि अभी देखा जा रहा है कि वो ओबीसी एक तरह से डोमिनेंट कास्ट बन के निकल के आया है अभी जो करेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें अगर हम देखें तो और जो एस सी एस टी माइनॉरिटी वुमेन ये जो नन एलिट सेक्शन है उसी में रह जाता है या इनके पास पावर मूव नहीं कर पाता है अगर हम कंटेम्प्रोरी या इंडिया के कॉन्टेक्सट में देखें तो तीसरे जो एक्सपोनेंट हैं इसके ये है मॉस्का और इनकी किताब है रूलिंग क्लास इन्होंने इसमें कहा है कि डेमोक्रेसी पर्सन विद गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल होल्ड्स पावर ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को है इसको वैल्यू देते हैं कि न डेमोक्रेसी पर्सन विद गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स उसी के पास पावर रहेगी उसके बाद जो नेक्स्ट इसके एक्सपोनेंट है वो है सी राइट मिल इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पावर एलिट्स का इनके अनुसार यू जो है वो रूल किया जाता है बाई पावर एलिट्स मतलब कि समझ लीजिए एक ग्रुप है जिसमें कि आपके फेडरल गवर्नमेंट मिलिट्री कॉरपोरेट के पावरफुल लोग हैं तो ये सारे मिल ही डिसीजन ले रहे हैं यू में और इसलिए सी राइट मिल्स के अनुसार यू जो है वो डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक औलीगार है ठीक है तो Uh, जो मॉस्का है उसको हमने पढ़ लिया उसका सी राइट मिल्स को भी हमने देख लिया ठीक है जो एलेटेस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है ये बेस्ड है ऑन एलेटेस्ट थ्योरी ऑफ पावर ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसीड्यरल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी इज एलेक्शन बिलीव दैट एलेक्शन इज मैक्स फंक्शन मासेस कैन परफॉर्म ठीक है democracy. Democracy election, तो इनके अनुसार जो पावर है वो मासस के पास कभी नहीं जाता द तो जो मैक्सिमम हम uh, देख सकते हैं जो पावर मासर्स uh, के पास है वो है वोट देने का उससे ज़्यादा रूलिंग करने का पावर अल्टीमेटली एलेट्स के पास ही रहता है अकॉर्डिंग टू एलेटस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी टेक अ बैलेंस पोर्सन बिटवीन मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ पावर इस मॉनिस्टिक थ्योरी ऑफ पावर क्या है मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ पावर कहता है कि जो स्टेट है वो सोल ऑथॉरिटी है पावर का जबकि प्लोलिस्टिक है वो आप समझ लो उल्टा है मोनिस्टिक का प्लोलिस्टिक है कि uh, जो पावर है वो बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है कोई एक प्रेशर ग्रुप नहीं है ये जो थ्योरी है ये इसके अनुसार uh, जो स्मॉल माइनॉरिटी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक इकोनॉमिकट एंड पॉलिसी प्लानिंग नेटवर्क होल्ड्स द मोस्ट पावर एंड द पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन मतलब कि इवन दो डेमोक्रेसी हो इवन दो इलेक्शन हो लेकिन जो पावर है वो अल्टीमेटली एलिट्स के पास रहेगी दो पोजिशन इन कॉरपोरेशन और ऑन कॉरपोरेट बोर्ड कैन इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिसी मेकिंग प्लानिंग नेटवर्क टू फिनशल सपोर्ट या फाउंडेशन पोइसन थिंक टैंक ये सारे तरीके हैं लेकिन तब भी आप एक्स एलिट का जो पावर है उसको ओवर प्ले नहीं कर सकते जिस तरह से एलिट होल्ड करते हैं पावर द बेसिक कैरेक्टर स्टेक ऑफ दिस थ्योरी आर दैट पावर इज कंसनट्रेटेड एलिट्स आर यूनिफाइड नन एलिट्स आर डाइवर्स एंड पावरलेस तो यही बात यहाँ पे है कि जो नन एलिट्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है एलिट थ्योरी जो है प्लोरलिज्म को अपोज करती है इनके अनुसार पुरलिज्म में क्या है पुरलिज्म में एक सेंटर ऑफ पावर नहीं बल्कि मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर है थ्रू डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स ठीक है तो मल्टीपल मेजर सोशल ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट हैव इन्फ्लुएंस। यही तो है पुरलिज्म जबकि एलिट थ्योरी है वो कहता है कि डेमोक्रेसी जो है वो यूटोपियन फॉली है क्योंकि अल्टीमेटली जो पावर है वो आपका जो एलिट्स है उनके पास ही है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके मैक्स वेबर और जोसेफ्स um, कैंप्यूटर इनका है कि एलिट थ्योरी रिकोगनाइज दैट काउंटर एलट्स फ्रीकुंटली डेवलप विद इन सच एक्सक्लूडेड ग्रुप्स नैगोसिएशन बिटवीन दिस सच फ्रेंचाइज ग्रुप्स एंड स्टेट कैन एज भीगोसिएशन बिटवीन एलिट्स एंड मेजर काउंटर एट्स मतलब एलिट के अगेंस्ट आपका एक दूसरा ग्रुप भी फॉर्म होता है लेकिन वो एक तरह का काउंटर एलिट है लेकिन खुद में एक एलिट है ठीक है एंथोनी डाउन जो है वो कहते हैं कि जो मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के अनुसार पॉलिटिस् पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स एंड वोटर्स आर कस्टमर्स प्लोलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर जो है इस ये जो है ये क्रिटिसिज्म करती है एलिट थ्योरी ऑफ पावर बाय सी डब्ल्यू मिल जो जो कहती है कि जो पावर जो है वो सिर्फ एलिट्स के पास है जो एलिट जैसे मैंने कहा प्लिस्ट थ्योरी ऑफ पावर ये नहीं मानती कि सिर्फ एलिट्स या सिर्फ स्टेट के पास पावर है पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है डाल ने क्रिटिसाइज़ किया है मिल को उनके अनुसार यू एस ए के पास पावर डज नॉट लाइव विद पावर एलिट्स बट विथ प्रेसर ग्रुड्स तो रॉबर्ट डाल जो है इनके अनुसार जो यू एस ए में आप देख सकते हो कि पावर जो है वो एलिट्स के पास है बट विद लेकिन आ, मतलब बेसिकली मिल ने कहा है कि जो टाल ने क्रिटिसाइज किया है मिल को जो कहते हैं कि यू एस ए पावर डज नॉट लाइव विद पावर एलिट्स बट विद प्रेसर ग्रुप्स जो एक्सपोनेंट है ये हैं वो रॉबर्ट डाल ठीक है उसके बाद चार्ल्स लिनबॉम ये सारे कुछ एक्सपोनेंट्स हैं थ्योरिस्ट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए रॉबर्ट डाल की सर्वे किया इन्होंने वर्क अपना मतलब जो उनका सर्वे वर्क है जिन, जिसका नाम है पोलियार्कि पार्टिसिपेशन ऑन अपोजिशन इस सर्वे में इन्होंने देखा कि जो पीपल है यू में वो फेयरली पावर उनके पास है ठीक है लेकिन एक इंडिविजुअल की तरह नहीं एक एसोसिएशन की तरह ठीक है जो डाल है उसके अनुसार यू में ना ही सिर्फ ओलिगार्की है मतलब सिर्फ ओलिगार्की ही नहीं डेमोक्रेसी यू एस एज ओलिगार्की की नॉट डेमोक्रेसी बट पॉलियार की ये टर्म इन्होंने यूज़ किया है फॉर यू एस ए पॉलियार्की की है पावर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स है अलग अलग न्यूमरस इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच में फॉर डेम इफ डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ ऑल दैन पॉलीआर की इज़ द रूल ऑफ मैनी ठीक है तो इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ ऑल यहाँ पे रूल ऑफ मैन ही दिख रहा है डेमोक्रेसी इज आइडियल पॉलियार्की इज़ द फंक्शनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भले इवन तो हम चाहते हैं कि सब मास जो है वो रूल करें पर वो पॉसिबल नहीं होता तो फंक्शनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम देखते हैं पॉलियार्किज ने हेल्प किया टू की आर्बिट्री पावर ऑफ गवर्नमेंट इन चेक एंड मेड पॉलिटिक्स पार्टिसिपेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव उसी तो फिर एक कॉन्सेप्ट है डिफॉर्म पॉलियार्की का या न्यू प्लोलिज्म का ये इसका Uh, ये दिया गया डाल और लिंडबॉम के बारे के द्वारा डाल ने एक्सेप्ट किया कि जो सारे ग्रुप्स हैं वो इक्वल पावर नहीं है उनके पास पॉलियार्की टिल्टेड इन फेवर ऑफ कॉरपोरेट ग्रुप्स मतलब कॉर्पोरेट ग्रुप्स के पास ज़्यादा पावर है दिस इज अकिन टू रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी ऑफ स्टेट बाई स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट हु सेज़ दैट इन क्राइसिस द स्टेट इज मोर इंक्लाइंड आपको पता है अगर आप स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट को पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा निकोस पॉलेंजाज के बारे में जिन्होंने कहा है कि जो स्टेट है वो ज़्यादा इंक्लाइंटेड वार्ड्स कैपिटलिस्ट स्टेट मतलब कि कैपिटलिस्ट क्लास मतलब अगर किसी भी तरह का क्राइसिस हुआ तो वो ज़्यादा चांस है कि वो कैपिटल क्लास का सपोर्ट करे स्टेट जो है ठीक है तो ये आपका जो बेसिक रॉबर्ट uh, डाल और चार्ल्स uh, लिनबॉम uh, का जो पेजर बेसिक कॉन्सेप्ट है यू पे वो है ठीक है तो इस तरह से हमने एलिट थ्योरी ऑफ पावर कर लिया आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है अगर अच्छा लग रहा अच्छा है अच्छा और समझ में भी आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू